क्विक आईएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएस में आपका स्वागत है। टेस्ट आप लोग कैसा दे रहे हैं, हमारा जितनी वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं वो कैसा लग रहा है आप लोगों को, आपकी तैयारी में कितनी हेल्प मिल रही है आप कुछ जरूर बताइएगा। आप लोग ये जो टेस्ट होने जा रहा है, आप जो ये टेस्ट देंगे फुल टेस्ट होगा, सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन होंगे। आपको जो टेस्ट देना है मैं उस तरीका बता देता हूँ, उसी तरीके से आप लोग टेस्ट दीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहला काम ये करिएगा, क्योंकि बिहार में 1/3 माइनस मार्किंग है तो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले टेस्ट जब देना तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को हल करना जो क्वेश्चन आपको आते हैं। वो क्वेश्चन चाहे एक हो चाहे 150, तो एक से लेकर के 150 क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग वही क्वेश्चन करिएगा जो क्वेश्चन आपको आते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। दूसरे अटैम्प्ट में आप लोग जब दूसरे चरण में क्वेश्चन करिएगा तो उन क्वेश्चन को कीजिएगा जो आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा हो उनको दीजिएगा। और फिर जो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है टेस्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, उस पर आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। इसलिए क्योंकि अब आपको 10 दिन केवल बचा है एग्ज़ाम देने के लिए, 10-12 दिन और बचे हैं, तो आप लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि क्वेश्चन हमें कैसे हल करना है, हमें किस स्ट्रेटजी के तहत हल करना है। तो वही आपको ये सिखाया जा रहा है, टेस्ट देने का यही मतलब होता है। आप लोग टेस्ट पूरे ईमानदारी से दीजिएगा, टाइम सेट कर लीजिए और उसको जो है टेस्ट दीजिएगा। आंसर की टेस्ट के लास्ट में दिया गया है और टेस्ट के दौरान वॉइस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप डिस्टर्ब ना होने पाएँ और आसानी से आप टेस्ट देते रहें। क्वेश्चन बार बार बदलता रहेगा, आप लास्ट तक पूरा क्वेश्चन दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछेगा। आंसर की लास्ट में दिया हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से मिलाइएगा। और अगर जो है किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट। ओके, थैंक यू।